दीपावली या दिवाली का महत्व। माना जाता है कि जब भगवान राम रावण को हराकर पूरा कर अयोध्या लौटे तो नगरवासियों ने पूरे अयोध्या को रोशनी से सजा दिया और यहाँ से ही भारतवर्ष में दिवाली के त्यौहार का चलन शुरू होना माना जाता है। एक पौराणिक कथा के अनुसार विष्णु ने नरसिंह रूप धारण कर हिरण्यकश्यप का वध किया था। दीपावली दीपों का त्यौहार है। आध्यात्मिक रूप यह अंधकार पर प्रकाश की विजय को दर्शाता है। भारतवर्ष में मनाए जाने वाले सभी त्योहारों में दीपावली का सामाजिक और धार्मिक दोनों दृष्टि से महत्व है। पंचांग के अनुसार दिवाली का पर्व कार्तिक मास की अमावस्या तिथि को मनाया जाता है। सर, इस वर्ष कार्तिक अमावस्या 4 नवंबर 2021 गुरुवार को। दिवाली की रात में मां लक्ष्मी के पूजन का विशेष महत्व होता है। शुभ मुहूर्त पर मां लक्ष्मी का पूजन जीवन को खुशहाली और धन संपदा से भर देता है। दिवाली पर मां लक्ष्मी के पूजन के लिए सबसे पहले पूजा स्थल की अच्छी तरह से पूरे घर की पवित्रता को बनाए रखने के लिए गंगा जल से छिड़काव करना चाहिए। दिवाली के एक दिन पहले नरक चतुर्दशी मनाते हैं क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने इस दिन नरकासुर का वध किया था। इसलिए भगवान श्री कृष्ण बुराई पर जीत कर लोगों के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत किया और अगले दिन लोगों ने उल्लास के साथ दीपक जला मनाया। लक्ष्मी जी को धन की देवी और गणेश भगवान को बुद्धता माना जाता है। कठोपनिषद में यम नचिकेता का प्रसंग आता है। इसके अनुसार नचिकेता जन्म मरण का रहस्य यमराज से जानने के बाद यमलोक से वापस मृत्युलोक में लौटे थे। एक धारणा के अनुसार नचिकेता के मृत्यु पर अमरता के विजय का ज्ञान लेकर लौटने की खुशी में भूलोकवासियों ने घी के दीपक जलाए थे कि आर्यावर्त की पहली दीपावली थी। हिंदुओं के लिए यह 14 साल के वनवास और राक्षस रावण पर विजय की वापसी से जुड़ा है। उस दिन उनका अयोध्या राज्य में स्वागत किया गया था जो कि बहुत ही भव्य था और पूरा राज्य रोशनी से जगमगा उठा। इस प्रकार तेल के दीपक जलाने की परंपरा है जो बुराई पर अच्छाई की जीत और आध्यात्मिक अंधकार से मुक्ति का प्रतीक है। आमतौर पर इस दिन दीपों के घरों में प्रवेश द्वार पर रंगोली और पादुका लगाकर देवी लक्ष्मी का स्वागत करने की भी तैयारी होती है जिससे देवी लक्ष्मी को किसी के घर आने और समकक्ष नरसिम्हा एंड किल हिरण्यकश्यप। दीपावली इज द फेस्टिवल ऑफ लाइट, स्पिरिचुअली रिप्रेजेंट्स द विक्ट्री ऑफ लाइट ओवर डार्कनेस। अमंग ऑल द फेस्टिवल्स सेलिब्रेटेड इन इंडिया, दीपावली हैज ग्रेट इंपॉर्टेंस बोथ फ्रॉम द सोशल एंड रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू। According to Panchang, the festival on the new moon day of the Kartik month. According to Hindu calendar, this year Kartik Amavasya is on 4th November 2020, that is Thursday. Worship of Goddess Lakshmi has special significance on the night of Diwali. Worshipping Goddess Lakshmi on auspicious time fills life with happiness and wealth. For worshipping Goddess Lakshmi on Diwali, first of all the blood cleaned. To maintain the purity of the whole house, one should sprinkle with Ganga Jal. Narak Chaturdashi is celebrated a day before because Lord Krishna killed Narakasur on this day. That is why Lord Shri Krishna killed Narakasur, and on the victory of truth over evil, people celebrated the festival of Deepavali,
the very next day by lighting a lamp with gaiety. Lakshmi is the goddess of wisdom and Lord Ganesh is the god of wisdom. The story of Yam Nachiketa is mentioned in the Kathopanishad. According to this, after knowing the secret of birth and Nachiketa returned from Yamlok to the world of death. According to a belief, the people of the land lit key lamps in the joy of Nachiketa's return with the knowledge. Legend has it that this was the first Dipavali of Aryavarta. For Hindus, it is associated with the return of Lord Ram to Ayodhya after 14 years of exile and victory. Ram, on that day, he was welcomed into the kingdom of Ayodhya, which was very grand, and the entire space was illuminated with light. Thus, there is a tradition of lighting oil lamps to signify the victory of good over evil and freedom from spiritual. Also make preparations to welcome Goddess Lakshmi by placing rangoli and footsteps Lakshmi to come to one's home and bring prosperity.